वेलकम बैक गाइस। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग आज देखने वाले हैं कि फ्लटर में हम लोग इस तरह का पुल रिफ्रेश कैसे बना सकते हैं। यानी कि हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से अगर हम लोग नीचे स्लाइड करें तो हमारी पेज भी रिफ्रेश होना चाहिए। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाला पैकेज को अपनी फ्लटर वाली pubspec.yaml में ला के यहाँ पर ऐड कर लेना। ठीक है, ऐड करने के बाद अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ से आपको सिंपल सा ये वाले चीज़ों को कॉपी कर लेना है। ऐसे ये वाले चीज़ों को कॉपी करने के बाद आपको नॉर्मल सा, मैंने यहाँ पे ये बनाया, इसको मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कट कर लिया, और जो वहाँ से कॉपी करके लाया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर लिक्विड पुल रिफ्रेश को इंपोर्ट कर लेना, मैंने यहाँ पे पहले से इंपोर्ट करके रखा है। इंपोर्ट करने के बाद की में आपको यहाँ पे सिंपल सा की डाल देना है, और फिर ऑन रिफ्रेश एक लेगा फंक्शन, तो आपको यहाँ पे ऑन रिफ्रेश फंक्शन डाल देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो कमेंट है उसको मैं हटा देता हूँ। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे लिस्ट व्यू दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा लिस्ट व्यू बिल्डर डॉट बिल्डर। बिल्डर लेगा पहले कॉन्टेक्स्ट, और ये देगा एक इंडेक्स। इंडेक्स के बाद ये रिटर्न करेगा, तो मैं जो भी कंटेनर बनाया था मैं पिछले बार उसको डाल देता हूँ यहाँ पे। और इतना करने के बाद अगर मैं सेव करूँ तो भी सेव नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर एक एरर दे रहा है। ये बोल रहा है कि ये फ्यूचर रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली से एसिंक लगा दूंगा और सेव करूँगा। तो अभी देखो हमारा रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, इतना लिखते के साथ ही हमारा रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा डेटा है उसमें हम लोग यहाँ पे इंडेक्स भी शो करवाएँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा इंडेक्स, यानी कि हमारा जो डेटा नंबर है 1, 2, 3 से लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा डेटा हमारे पास जनरेट हो गया। और ये इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि हम लोग लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ कर रहे हैं। अभी लिस्ट व्यू बिल्डर में मुझे इतना डेटा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख दूँगा आइटम काउंट। मैं चाहता हूँ 20 आइटम ही जनरेट हो, तो यहाँ पे 20 आइटम जनरेट हुआ है। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पर 20 आइटम जनरेट हुआ। अब जैसे हम लोग ऊपर से रिफ्रेश पुल करते हैं तो ये लिक्विड पुल रिफ्रेश आता है, और जैसे हम लोग रिफ्रेश के लिए पुल करेंगे तो ये रिफ़्रेश होगा इस तरह से। लेकिन अभी प्रॉब्लम्स ये है कि जैसे रिफ़्रेश होना शुरू होता है तो नीचे वाली चीज़ें हट जाती हैं। तो उसके लिए भी देखो यहीं पे कोड लिखा हुआ, अगर आप सो लिक्विड सो चाइल्ड ओपेसिटी ट्रांजिशन को फॉल्स कर दोगे, आप यहाँ पे आओ लिक्विड पुल टू रिफ्रेश और सो चाइल्ड ओपेसिटी ट्रांजिशन को यहाँ पर फॉल्स कर दो। अब जैसे फॉल्स करोगे तो आप अगर रिफ़्रेश करोगे यहाँ से तो देखो रिफ्रेश हो रहा है ऊपर, लेकिन ये हाइड नहीं हो रहा है पिछले बार की तरह। आप इसी तरह से इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर्स डॉट, मान लो मैंने एम्बर रखा तो जो गोल से घूमता है जो रिफ्रेश बटन, वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा रिफ्रेश बटन काम करेगा। अब हम लोग ऑन रिफ्रेश पर जो भी फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे वो कौन यहाँ पे वर्क करेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, और जैसे हम लोग रिफ्रेश पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आएगा बन के हेलो। तो देखो जैसे हम लोग ने रिफ्रेश किया तो नीचे यहाँ पे हेलो लिख के आ गया। फिर से अगर रिफ्रेश करेंगे तो फिर से यहाँ पे नीचे हेलो आ गया। यानी कि जितना बार हम चाहें यहाँ पर रिफ्रेश करवा सकते हैं, और जो भी फंक्शन को कॉल करवाना हो आप यहाँ पर करवा सकते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो के लिए हम लोग मिलेंगे कुछ नई वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं कलर्स, एक मिनट मुझे कुछ याद आ गया तो मैं यहाँ पे और देख लेता हूँ कि ये जो कलर है वो क्या लेता है। तो गाइस ये कुछ इस तरह से मस्त हो गया, मैं यहाँ पर वाइट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, कलर लिखोगे तो जो पीछे का कलर था वो चेंज होएगा। और भी यहाँ पे हाइट वुट भी है, विड्थ भी है। यहाँ पे मैं क्या विड्थ है, यहाँ पे अगर आए तो हम लोग स्प्रिंट एनिमेशन ड्यूरेशन यहाँ पे है 10 मिली सेकेंड, बॉर्डर विड्थ है। तो बॉर्डर विड्थ को मैं 20 डालूँ अगर, तो ये क्या करेगा,
यस, ऊपर वाला जो हमारा बॉर्डर है उसकी ये विड्थ को चेंज कर दिया, देख सकते हो। तो मैं इसका बॉर्डर विड्थ 1 डालता हूँ, तब ऊपर जो बॉर्डर आएगा वो स्मॉल आएगा। तो गाइस बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।